अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग सुबह से, यानी कि 12-1 बजे से। तो मैं बना रही थी पास्ता, तो पास्ता में मैक्रोनी टाइप बना रही थी। तो ये मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ थोड़ा सा। वैसे बना रही थी, पहले तो मैं काली मिर्च इसके अंदर ऐड करती थी ना, तो अब मैंने इस दफ़ा ना मैंने ऐड की थी दड़ा मिर्च, नहीं होती जो कुटी हुई होती है, तो वो मैंने ना ऐड की थी थोड़ा ना स्पाइसी बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बने थे। तो उसके बाद आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये कहना नहीं भूलूँगी। उसके बाद क्या कहने लगी थी, हाँ मैंने पहले भी वीडियो की थी, एडिट करके अपलोड की थी, तो वो ना कॉपीराइट आ गया था उस पर। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मसला हुआ इसके अंदर। तो चले जो भी, अपनी तरफ से इसे यानी कि इसका हल ही है कि दोबारा से मैंने एडिट किया, दोबारा से मैंने यानी कि पूरा इस पर काम किया। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद इंसान को कोई रिस्पांस ना मिले तो फिर भी टेंशन होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसके बाद ये देखें जी, इसका यानी कि आप कलर से यानी कि इसकी जो शक्ल है इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसी बनी है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बना था। तो उसके बाद मुझे आगे जाके मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे बहुत सारे काम थे, फिर भी मैंने ना यानी कि मुझे फिर अम्मी की तरफ आना था, जो कि आप लोग कहते होंगे कि रोज़ ही अम्मी की तरफ चली जाती है। तो रोज़ तो मैं खैर नहीं जाती, तो ऊपर से मैं काम के यानी कि काम हो तो फिर ही जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। उसके बाद मैं क्या कहने लगी थी, हाँ क्या कहने लगी थी, हाँ तो आगे देखिए आप फिर नेक्स्ट डे है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं, ये उसी दिन का क्लिप है, शाम को बहुत ही बारिश हो रही थी, इस दिन ठंडा ठंडा मौसम था इंतहा का। तो देख लें आप लोग जी क्या हालत है। तो शाम का ऐसे उस दिन तो बारिश शहर हो रही थी, अब तो ऐसे ना धुंध पड़ जाती है, तो समझ ही नहीं आती बंदा क्या करे। उसके बाद ना इंतहाई यानी कि इतनी ठंड हो गई है कि समझ नहीं आती बंदा क्या करे। तो उसके बाद मैं थोड़ी टेंशन में हूँ, तो अवॉइड कीजिएगा, मेरा दिमाग थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो उसके बाद देख लें जी नेक्स्ट डे में मैं क्या बनाती हूँ। नेक्स्ट डे में मुझे ना दो सालन बनाना था, दो किस्म का। एक ये देखें नज़र आ रहा होगा, आमली का सालन होता है, कुछ लोग आप लोग जानते होंगे, कुछ में से आप लोग में से कुछ लोग मैं उल्टी उल्टी बालते मेरे मुँह से करी जानते होंगे। आमली का सालन बनाया था मेरी दादी माँ ने, बनवाया था दादा बू के लिए, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो उसके उनके लिए शोरबे वगैरह वाली चीज़ कोई ना हो, तो कहते हैं इसका सालन अच्छा होता है। तो मैंने उसके बाद देख लें, साथ मैंने अपने लिए पालक आलू रखी हुई है, तो ये भी काफ़ी टेस्टी बना था, ये भी साथ साथ बना रही हूँ। मैं फाइनल होकर हर चीज़ के दिखाना भूल जाती हूँ, मुझे थोड़ा मसला है कि मैं भूल जाती हूँ, तो इस वजह से देखें इसे। अब इसके अंदर आलू वगैरह डाल दिए ना मैंने, नमक मिर्च भी डाल दी, ऑयल भी, अब इसे बंद कर दूँगी ताकि ये आलू गल जाए। पालक तो ऑलमोस्ट गल चुकी थी। उसके बाद से जब ये पक गया था तो बुनाई इसकी हो रही थी, तो उस वक्त मैं मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया कि मैं ना वीडियो थोड़ी सी बना लूँ, तो नहीं बना सकी। उसके बाद मैंने ना पता क्या जाना था बाज़ार, कुछ चीज़ें मैंने घर की लेनी थी, वो आगे आपसे मैं शेयर करती हूँ क्या क्या लेना था। तो मैंने अम्मी से, आप लोगों ने आना है बाज़ार तो चले मैं भी आ जाती हूँ, तो फिर वो लोग कह रहे थे कि मैंने ना मेरी छोटी बहन ने तो कह रही थी अकाउंट मैंने अपना खुलवाना है, तो मैंने आना है बाज़ार, यानी कि जो हमारे पास मार्केट कहती है तो हम लोग वो काम कर लेंगे, तो तुम अपना कर लेना जो तुमने लेना है, तो तुम उधर से आ जाओ। तो फिर मुझे जिशान बैंक ही उतार आए थे, तो हम लोग बैठे हुए थे बैंक में वेट कर रहे थे, उसका काम चल रहा था, तो हम लोग बैठे वेट कर रहे थे, मैं और अम्मी बैठे थे, तो हमारी वही गप्पे शप्पे चल रही थी, क्योंकि इतने से बात बंदा मिले तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं इकट्ठी करने के लिए। तो उसके बाद शॉपिंग के लिए हमें मार्केट जाना था, तो हमारे पास ही करीब भी थोड़ी एक ना सभा मार्ट के नाम से है मार्ट, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कुछ रीज़नेबल थी, कुछ एक्सपेंसिव थी, तो मैंने सोचा कि देखते हैं यहाँ से देख लेते हैं। मैंने जर्सी वगैरह कुछ स्वेटर वगैरह देखना था, लेकिन मुझे वो यानी कि जिस तरह का मैं जा रही थी उस तरह का नहीं मिला,
तो उसके बाद ये देखें इसके यहाँ पे स्ट्रॉलर्स, शॉल्स, ये भी बहुत ही अच्छी अच्छी थी कॉस्टली लेकिन थी बहुत अच्छी। अगर किसी ने लेना है तो वो ले सकता है, अगर किसी को पसंद आ गई तो। मुझे यानी कि अच्छी थी लेकिन मुझे चाहिए नहीं थी तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ले आई हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ चीज़ें लाई थी, इस साल भी ले आई हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा कि रहने देती हूँ मैं। उसके बाद देख लेंगे बच्चों के लिए शर्ट्स भी काफ़ी अच्छा स्टफ़ है, गर्म यानी कि सर्दियों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे। तो मेरी अम्मी ने देखना था मेरे भाई के लिए हाईनेक देखनी थी, तो वो नहीं थी मेरे लिए, उसका थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यानी कि वो अजीब सा स्मार्ट सा है और लंबा हो ही जा रहा है, तो अजीब कोई कपड़ा जो है ना सही से उसके ऊपर ना जच नहीं रहा, तो हमें समझ नहीं आती उस तरह के कपड़े वैसे उसके लिए लेके किधर से आए। तो मैं कह रही थी इस एज में पहुंच गया कि इसके नाम के कपड़े नहीं हमें मिल रहे कपड़े। अम्मी कह रही थी नहीं कपड़े तो मिले जाते नहीं, कि ढूंढने पड़ते हैं। तो चले जो भी है, तो हम लोग ने बहुत सर्च किया लेकिन फिर भी उसके सही एग्जैक्ट नाप ना हमें सही से मिला नहीं। हाई नेक ये देखें, वैसे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे तो जाहिर सी बात है चाहिए ही नहीं थी। तो इस वजह से मैंने यानी कि हम लोग ने लिया, तो मैंने तो कुछ नहीं यहाँ से लिया था, मुझे शर्ट एक अच्छी लगी थी वूल टाइप, तो वो मैं कह रही थी कि ये ना है थोड़ी गरम। ठहरे मैं आपको पहले दिखा लूँ अपनी शॉपिंग, देख लें। ये बाज़ार से नेकलेस लिया था, बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये 200 का था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ये सॉक्सेस लिए थे, ये भी यानी कि बहुत ही रिजनेबल मिल गई थी हमें, तो सब ने ली थी तो मैंने भी अपने लिए ले ली थी 2-3। उसके बाद देखिएगा आगे बर्तन लेके आई हूँ किचन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि, तो शादी के लिए शॉपिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी हम लोग, मैं कर लेती हूँ कभी कभार, निशान की कज़न की शादी है उनकी, तो ये देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी शॉपिंग में थी वो ये थी, बाउल लिए थे बहुत ही प्यारे वाइट कलर में, बहुत ही प्यारे बाउल थे ये, 1400 के वो कह रहा था, बहुत ही रिजनेबल मुझे लगे थे, कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ना ले लिए। तो 1100 के मैंने उसे कह दिया कि यानी कि आप दे दें, तो फिर वो मान गया, तो हम लोग ने ले लिए, तो मुझे बहुत ही पसंद आए थे 3 पीस हैं इसके। तो इसके बाद मैंने घर के लिए ग्लास वगैरह लेके आने थे वो लिए। उसके बाद ये छोटा सा बॉक्स लिया था ताकि इसके अंदर चटनी वगैरह बंदा रख लेता है, कहीं आना जाना हो तो बंदा साथ कैरी कर लेता है कोई चीज़ डाल के, तो ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, ग्लास बाउल था। तो उसके बाद ग्लास हमने लिए थे, कुछ कप्स लिए थे, छोटे कप्स होते हैं जो वो, ये ग्लास नोवा के लिए थे हम लोगों ने, तो ये लास्ट टाइम अम्मी लोगों ने इस तरह के लाए थे, तो इस दफ़ा मैं भी ले आई थी, कोई भी नहीं थे अच्छे लग रहे, तो फिर यही मुझे, मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं, तो अम्मी लोगों ने भी ये लास्ट टाइम लाए थे, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैं ले लेती हूँ। उसके बाद जो कप्स लाए हैं वो भी आपको दिखाती हूँ, ये एक ट्रे ली थी 2 ग्लासेस या 2 कप वगैरह के लिए अच्छी है, तो ये ली थी। ये मैं ना शॉपिंग के बाद हम लोग घर चले गए थे, यानी कि अम्मी की तरफ चले गए थे, कल की ये सारी वीडियोस हैं, तो हम लोग घर चले गए थे, उसके बाद आज मैं वापस आई हूँ। तो ये देखें ये हैं, ये कप्स हैं, ये 12 लिए थे मैंने 600 के, बहुत ही रिजनेबल हर चीज़ मैंने ली थी, इतनी महंगी मैंने चीज़ें नहीं ली। तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसी लगी मेरी शॉपिंग। उसके बाद रात का टाइम तो हम लोग इंजॉय करेंगे पिनट शाम के टाइम बैठ के, आजकल जो चल रही है, तो हमारी रूम की हालत ज़रा देखिएगा, नेकलेस हम लोग ला रहे हैं, यानी कि हम लोग, मैंने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ, मैं नेकलेस मैंने शादी के लिए लिया था, इसके साथ इयररिंग्स भी मैं कोई मैच करके लाऊंगी, तो ये बहुत ही अच्छे थे, तो इस वजह से मुझे 200 में मैंने कहा